फिलहाल मैं अपने मित्र शुभम श्रृंगी जी के साथ जयपुर के खूबसूरत पैलेस इसरलाट पर हूँ। इसरलाट के बारे में बेसिक जानकारी मेरे मित्र शुभम श्रृंगी जी देंगे। इससे पहले मैं आपको इसरलाट के दीदार करवाता हूँ। इसरलाट कितनी खूबसूरत दिख रही है, इसकी ऊपर की गई लाइटिंग की वजह से इसकी रौनक है वो काफ़ी बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये एकदम प्रकाशवान नज़र आती है। इसरलाट के बारे में बेसिक जानकारी मेरे मित्र शुभम श्रृंगी जी देंगे। वैसे इसरलाट की क्या खासियत है और इसका निर्माण किसने करवाया, आप शुभम जी बताएंगे मेरे को। देखो, इसरलाट अपने आप में एक ऐतिहासिक इमारत है। इसका निर्माण जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के द्वारा किया गया था। जब राजमहल टोक का युद्ध हुआ था 1947 में, तब ईश्वरी सिंह ने अकेले ने मराठा प्लस अंग्रेजों की और माधो सिंह की सेना को पराजित करके उस खुशी में इसरलाट का निर्माण किया गया था। वैसे शुभम जी, मैंने इसरलाट के बारे में एक बेसिक नॉलेज और भी जाना है कि जो महाराजा ईश्वरी सिंह थे उनकी एक प्रेमिका थी जो कि उनके दीवान की वाइफ थी, उनके सेनापति थे या दीवान थे, उनकी पुत्री थी उनकी, जिनसे वो काफ़ी प्यार करते थे। और उनका घर ही है वो जो कि इस परकोटे के पीछे की साइड में, तो वो उनको नहाते हुए देखते थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात सच है कि ईश्वर सिंह जी बहुत रंगीले मिजाज आदमी थे, एक तरह से रंगीले राजा थे। तो ऊपर चढ़कर ये सब अपनी प्रेमिका का दीदार करते थे वो, और इशारों में अपनी सेनापति की पुत्री से प्यार बात करते थे, और उससे मतलब प्रेम था। शुभम जी, कभी कभी लगता है कि यार मतलब जो राजा महाराजे हुए उनकी लाइफ है काफ़ी मतलब रंग रंगीली हुआ करती थी, और अपने प्यार के लिए मतलब क्या क्या बनवा देते थे। जब तक जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवा दिया, ईश्वरी सिंह ने भी अपनी प्रेमिका के चक्कर में शायद इसका, खैर ये सच है या नहीं उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, पर ऐसा इतिहास में हमने थोड़ा कुछ पढ़ा है तो इस लिए बता रहे हैं। बाकी शुभम सिंह जी, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 140 फीट, इसकी मतलब इसको आप देख पा रहे होंगे, इसकी टोटल हाइट है वो ग्राउंड लेवल से टॉप तक 140 फीट है हाइट में। और इसके इसको अगर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर तो वो विजिट करने के लिए इसका चार्ज क्या लगेगा? इसका टिकट लगेगा 50 रुपये का, 50 रुपये में आराम से देखिए। और ये शायद वहाँ इसके इसरलाट के पास से तो प्रवेश द्वार है नहीं, आपको इसके अंदर प्रवेश करना तो आपको ठेठ बैक में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर शायद पार्किंग की भी सुविधा है, और वहीं से आप इसके पीछे की साइड जाओगे, और पीछे की साइड जाने के बाद में इसके प्रवेश द्वार आपको दिखेगा और फिर आप अंदर एंटर होंगे। और आप इस शायद शुभम जी इसकी छत तक पहुँच जा सकते हो, ठेठ ऊपर टॉप इसकी जो टॉप है टॉप तक कितनी, इसमें जो सीढ़ियाँ हैं बहुत शानदार सीढ़ियाँ, घुमावदार एकदम राउंड में, और आप घूमते आप चलते जाएंगे और आपको पता ही नहीं होगा आप कब टॉप पर पहुंच गए। और इसके टॉप पर पहुंचने के बाद रियली में जयपुर का विहंगम दृश्य नज़र आता है। यहाँ से हवा महल, नारगढ़, जंतर मंतर, चंद्र महल जो कि राजपरिवार का निवास आवास है, जो कि वहाँ पर अभी वो निवास करते हैं, और गोविंद देवी जी का टेम्पल, बड़ी चौपट, छोटी चौपट, सांद पोल, और यहाँ तक कि मानसरोवर थे दूर तक वो भी नज़र आ जाता है, रेलवे स्टेशन वगैरह। तो आपन तो मैं और मेरे मित्र शुभम श्रृंगी जी कुछ दिनों पहले आए थे दिन में, तब हम इसके टॉप पर पहुँचे थे, और रियली में बहुत अच्छा महसूस किया था हमने, और काफ़ी खूबसूरत जयपुर दिख रहा था वहाँ से, पूरा ट्रैफिक वगैरह दिख रहे थे। और इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, रात के टूरिज्म अपन जो रात को घूम रहे हैं इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखो, जयपुर आए और रात को नहीं घुमा तो समझो जयपुर नहीं घुमा। ऐसा क्यों? ऐसा है कि रात को सुकून बहुत मिलता है, पहली बात तो ये कि ट्रैफिक नहीं होता, कि जयपुर एक तो बहुत सब राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, जयपुर शहर है, मेट्रो सिटी है, एक्चुअली यहाँ भीड़ तो होगी। इसकी लगभग आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 66 लाख थी, अब तो खैर 2021 चल रहा है तो 1 करोड़ के नए डाटा आएंगे तो अपडेट होंगे। बाकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो सब शहर, खूबसूरत शहर, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, इस शहर की जितनी तारीफ की जाए कम है। आइए कभी, फिर अच्छा भी है, रहने के लायक भी बहुत शानदार है, और बिल्कुल सिक्योर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। रियली में आप यहाँ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, अदर सिटियों में कई प्रकार के इश्यू होते हैं, पर यहाँ पर रात को देर रात तक आप गर्ल्स को देख सकते हैं घूमते हुए, लेडीज़ वगैरह, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चोरी, झपट, रेप के केस काफ़ी नील है, न के बराबर नील है, आप यहाँ पर खुद को ज़्यादा सेफ फील करेंगे। और फिलहाल हम यहाँ ये जो इसरलाट है ये छोटी चौपट और बड़ी चौपट दोनों के बीच में स्थित है, और इसके जस्ट थोड़ा आगे चलने के बाद हवा महल आ जाता है, और उससे हवा महल के पीछे ही जंतर मंतर जस्ट। मैं वैसे शुभम जी, हम जब जयपुर आते हैं तो ये जो हवा महल है, ये जो जंतर मंतर है, ये पोर्शन दूर दूर पड़ते हैं या पास पास पड़ते हैं? बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। आप हवा महल आकर भी आप इसरलाट
जंतर मंतर, सिटी पैलेस सब देख सकते हैं। मतलब आप सिंध कैंप आते हो या फिर रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से मेट्रो पकड़िए और आप बड़ी चौपड़ उतर जाइए। बड़ी चौपड़ उतरने के बाद सीधा आप हवा महल पे आ जाएंगे। हवा महल के पीछे ही है जंतर मंतर, वो भी यूनेस्को की साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, काफी 2010 में काफी। उसके पास ही है यहाँ का सिटी पैलेस जहाँ पर हथियार वगैरह। सिटी पैलेस का टिकट शायद महंगा, आई थिंक 200 रुपए का टिकट वहाँ पे, और वहाँ पे राज परिवार भी अंदर ही रहता है। राज परिवार भी उसके एक पोर्शन में, आई थिंक वो निजी है। दिया कुमारी उनकी सारे मेंटेनेंस वगैरह खर्चे वगैरह रेवेन्यू सब वही लेते हैं और वही मेंटेन करते हैं। और बाकी यहाँ से आमेर जाने के लिए रास्ता कहाँ से ठीक रहेगा? आप जैसे आप हवा महल के दर्शन करते हो, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और ईसर लाट, उसके बाद यहाँ से शायद सिटी बस मिल जाती है। सिटी बस जाती है, ऑटो जाते हैं, रिक्शे आते हैं। वो सिटी में जाना चाहो सुटेबल आपको जैसे लगे, ठीक है। सिटी बस से तो आप मेरे हिसाब से तो 20 रुपए में पहुंच जाओ। 20 में सिटी बस से तो आई थिंक आप जल महल पहुंच जाओ। जल महल भी 20 ही में पड़ता है आई थिंक। आमेर से पहले जल महल पड़ता है। और पहले आप जल महल देखिए, फिर आमेर महल देखिए, ऊपर जयगढ़ दुर्ग वो देखिए, और आमेर से आगे नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, जो कि अब पहले यही अल्बर्ट हॉल के पास था, उसको अब शिफ्ट कर दिया गया। वो काफी दूर कर दिया है। नारगढ़ भी अपने आप में बहुत शानदार देखने की जगह है। आप आइए कभी। जहाँ पे माधो सिंह ने अपनी नौरानियों के लिए 9 महल बनवाए थे, एक जैसे 9 महल जिसको सुदर्शनगढ़ बोला जाता है। सुदर्शनगढ़ और शायद ये मराठों के अटैक से बचने के लिए, उसकी तत्काल जानकारी के लिए बनाया गया। संकटकालीन राजधानी तीन की है। यहाँ से आप नारगढ़ से तो जयपुर का एकदम ही शानदार पूरा इधर से देख सकते, दूर दूर तक कोसों तक आपको एक सत्र में नजर आएगा। देखो, आप नारगढ़ दुर्ग देखिए, नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क देखिए, वहाँ पर सफारी कीजिए। वैसे जयपुर के अंदर फोर्ट मैंने चार देख लिए हैं, नारगढ़, जयगढ़ और एक आमागढ़ भी है, और एक आमेर तो है ही अपना फेमस है। और ऐसे जयपुर में तो काफी यार 4-5 दुर्ग हो गए। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग अगर किसी शहर में है तो जयपुर में है। आइए फिर कभी सपनों के शहर में दर्शन कराते हैं आपको, दीदार कराते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।